सो गाइज आज हम बात करेंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग लोग अब क्यों नहीं करते वाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ डाइंग अब वैसा नहीं अब क्योंकि अब हर छोटे बच्चे या जो जस्ट जिम ज्वाइन किए हैं तीन महीना छः महीना होना वो, वो सबको जल्दी में बॉडी चाहिए वो जैसे यूट्यूब में देखते हैं या इंस्टाग्राम में देखते हैं या ऑन स्टेज देखते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर क्लासी बॉडी बिल्डर जीरो मतलब क्या बोलते हैं पेपर थिन स्किन उस टाइप का रिप बॉडी एब्स मतलब और वो नेचुरल नहीं है और एक और मेन प्रॉब्लम है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इथ टेक्स टाइम इसमें वक्त लगता है टाइम देना पड़ता है एंड ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका बेस नैचुरल डाइट के लिए आपको डाइट अच्छी रहनी चाहिए और इसके हल्का हल्का स्टेप बाई स्टेप आप प्रोग्रेस दिखेगा अच्छा वर्कआउट रहना चाहिए और बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और कुछ भी चीज़ अगर आपको मतलब ये क्या बोलते आपके ट्रेनर बोलते हैं कि इसको ले लो तीन महीने बॉडी बन जाएगी इसको ले लो छः महीने बॉडी बन जाएगी सो प्लीज़ उसे एक बार गूगल में चेक करें वो सही है नहीं है स्टेरॉइड है क्या है या वो हेल्दी है या नहीं है साइड इफेक्ट क्या है तो मैं बोलूँगा स्टे सेफ़ स्टे नेचुरल नेचुरल रहिए नेचुरली भी बहुत आप प्रोटीन लीजिए गुड फैट ऐड कीजिए कार्ब्स लीजिए अच्छी ट्रेनिंग कीजिए बॉडी को रेस्ट दीजिए यू विल सी द रिज़ल्ट इट टेक्स टाइम बट जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम लोग मतलब किसी ने ये बात कही थी कि बॉडी बना लेना बड़ी बात नहीं है उसके बाद उसको मेंटेन करना तो नेचुरल बॉडी में आप आराम से मेंटेन कर सकते हो बट वो बॉडी जो आप देखते हो ऑन स्टेज वो बस कंपटीशन से हफ्ते से दस दिन पहले की वो मतलब वैसी बॉडी रहती फिर ऑफ सीजन हो जाता क्योंकि आप जो वो मतलब साइकिल चलाते हैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकते उसके बाद बहुत सारी और होती है वॉश आउट करने के लिए तो वो हेल्दी नहीं होता है उन्हें हेयर फॉल होने लगते हैं बॉडी मैक्ने नहीं हो जाता है नेचुरल बॉडी आप देख सकते ये हंड्रेड परसेंट नेचुरल बॉडी है तो अगर इस टाइप के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल बिकॉज आई एम न्यू ईयर आई आई रियली नीड योर सपोर्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि वीडियो कैसा लगता है या मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नया हूँ सो थैंक यू वॉचिंग कमेंट में ज़रूर लिखना अच्छा लगा बुरा लगा उसे थोड़ा मोटिवेशन आता है या मैं खुद को सही कर पाऊँ और स्टैमरिंग प्रॉब्लम है तो शायद कुछ कुछ वर्ड बीच बीच में रुक जाते हैं बट आई एम स्टिल ट्राइंग सो आप भी कभी भी अपने ड्रीम को के लिए गिव अप मत करना स्टे नेचुरल स्टे सेफ एप्स के